वैश्विक महामारी पूरे देश में अपने चरम पर है। कोतवाली पुलिस कोविड 19 में बेवजह घूम रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कोविड 19 में जो लोग बाहर बिना मास्क लगाए या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और जो लोग बाहर बेवजह घूम रहे हैं, पुलिस ऐसे लोगों को बैन में लेकर आ रही है। एसएसआई सुधाकर जोशी ने बताया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उन सभी लोगों को पुलिस वैन में बैठाकर कोतवाली ला रही है। उनके साथ काउंसलिंग कर कोविड 19 के नियम और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा कोतवाली पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी दिया जा रहा है। इसके बाद कोविड 19 के अंतर्गत इनका चालान कर चेतावनी देते हुए छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना काटे जाने पर भी नहीं मानता तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसआई धीरेंद्र परिहार, कांस्टेबल जगदीश लोहनी, चंद्र प्रकाश, दीपक जोशी आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस द्वारा इनको यहां लाया गया है, क्या मामला है पूरा? पुलिस के द्वारा इनको इसलिए लाया गया है, ये लोग अनावश्यक रूप से रोडों में घूम रहे हैं। कोरोना काल में संक्रमण की इस टाइम पे जो लोग भी अनावश्यक रूप से रोडों पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस ने हर तरह की कार्रवाई कर ली है। प्यार से समझा दिया है, प्रचार के माध्यम से समझा दिया, लाउड स्पीकर लगा के समझा दिया है। लेकिन समाज के हिसाब से जितने समाज में हमारे कई तरह के लोग हैं, कुछ लोग टीवी देख के समझ जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे द्वारा समझाने से समझ जा रहे हैं, कुछ लोग पास पड़ोसी के बीमार आदमी को देख के समझ जा रहे हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी हैं किसी को देख के नहीं समझते, वो उनके अंदर ये आदत पड़ चुकी है कि उनको थाने लाना ही है। थाने लाने के बाद उनको ये लगता है कि इसमें कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इनके भले के लिए इनको थाने लाया गया है, इनकी काउंसलिंग की जाएगी कि संक्रमण किस स्तर का है, अस्पतालों में बेडों की भी व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो देश के प्रति इनका भी कुछ फर्ज है, सिर्फ इतना ही कर लें कि अपने अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें। किसी एक्ट में चालान भी होगा? कोविड 19 एक्ट के अंतर्गत इनका मिनिमम जितना भी होता है पहली बारी में चालान करके इनको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। कितने दिनों का इस कार्रवाई करते हुए पुलिस को? ये विगत 4 दिनों से हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये अभियान चलाया गया है। इसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है, शोषण नहीं है। इनको वहाँ से गाड़ी में भर के यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ पर इनकी काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के बाद इनको मास्क भी बांटे जा रहे हैं। मास्क बांटने के बाद इनकी अंतरात्मा जगाई जा रही है कि ये इस तरह का कृत्य ना करें, और जो भी और लोग भी इनके समाज में या इनके जो परिवेश में और भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको भी ये लोग समझाएं।